हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ वैसा टिप्स दूंगा जो बस प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं और कोई नहीं बताता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना और संभालना। ठीक है, अब सहारा देना और संभालना का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे कि अगर मान लो ये माउस है, ओके, ये माउस है, ये माउस को अगर मैं अपने अगर हाथ पर रखूं तो मैंने क्या किया, मैंने इसे सहारा दिया। ठीक है, मैं इसे अगर पकड़ूं क्या, मैंने इसे संभाला है। संभाल करके रखना, सहारा देना, ठीक है, सपोर्ट करना, यही होता है। सपोर्ट का मतलब यही होता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, मान लो कि मेरे पास में ये बोतल है, ठीक है, बोतल, अगर मैं इसे पकड़े हुए हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे संभाल करके रखे हुए हूँ, इसे सहारा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे सपोर्ट दे रहा हूँ। अगर मैं इसे ऐसे रखता तो ये क्या हो गया, मैंने इसे सहारा दिया। तो सपोर्ट का मतलब बस यही होता है, ठीक है। और सपोर्ट का मतलब और अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो सपोर्ट का मतलब यहाँ है, जैसे कि मैं अपने कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अपना कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने नॉलेज से आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके और लाइक करके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट मतलब बस सहारा देना और संभालना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा डालना और रोकना, रुकावट डालना, ठीक है। अब बाधा डालना और रुकावट का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे कि अगर मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मैं माउस को चाहूँ कि मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, यहीं से ऊपर लेके जाऊँ, तो आप बताओ मैं माउस को कैसे यहाँ पर लाऊँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं चाहूँ माउस को लाना तो यहाँ पर मैं कैसे लाऊँगा? तो आप बोलोगे कि सीधा तो ला नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मेरा हाथ रुकावट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ क्या कर रहा है, रोक रहा है इसे। वही रोकना ही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर मुझे माउस को अगर यहाँ पर लाना है तो दो तरीके हैं, या फिर पहला तरीका, या मैं इसका रास्ता बदल करके मैं ऐसे ले आऊँ, मान लो ये जो सीधा माउस को मैं ऊपर ला रहा था, इसका मैं रास्ता बदल करके मैं ऐसे ले आऊँ, ये दूसरा है मेरे पास, हाथ काट दूँ, जी हाँ, हाथ काट दूँ मैं अपना, ठीक है। तो दो तरीके हैं जिससे कि मैं इसे ऊपर ला सकता हूँ, पर बिना रास्ता बदले हुए, बिना हाथ को काटे हुए, क्या मैं इसे ऊपर ला सकता हूँ? नहीं ला सकता, क्यों, क्योंकि मेरा हाथ मेरे माउस को रेजिस्टेंस दे रहा है, बाधा डाल रहा है, रोक रहा है। सिंपल सा बात है, रोकना, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रोकना। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। मार्केट में भी इसी तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जी हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, बट वो छुपा हुआ होता है, जी हाँ, हिडन होता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या होता है, मार्केट में कैंडल्स ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर रहता है, कैंडल ऊपर जा रही है, जा रही जा रही, ऊपर में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस आ जाता है, एक पिलर आ जाता है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि पिलर जो है उसे रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो उसे नहीं जाने दे रहा। तो सिंपल सा बात है कि अगर मैं अपने माउस को यहाँ से अगर मैं जोर से फेंकूंगा, ठीक है, आप सोच के देखो, अगर मैं इसे यहाँ से फेंकूंगा ये नीचे गिरेगा, और कहाँ तक गिरेगा, ये जमीन तक गिरेगा, जहाँ पर इसे कुछ सपोर्ट ऐसा कुछ मिल ना जाए, ठीक है, जहाँ पर इसे ऐसा कुछ सपोर्ट मिल ना जाए वहाँ तक गिरेगा, या फिर ये जमीन तक गिरेगा, ठीक है, या फिर मेरे पास में यहाँ टेबल है, टेबल पे गिरेगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इसे सपोर्ट चाहिए, वहाँ तक ये गिरेगा, ठीक है। तो उसी तरीके का आप मार्केट में देख सकते हो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से टकराया, अब देखो मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक गिरेगा, जहाँ पर सपोर्ट रहेगा वहाँ पर रुक जाएगा, सिंपल सा बात है। आप ही देखो ना, आप मान लो कि कोई बॉल है, बॉल को अगर आप ऊपर फेंकोगे, ठीक है, ऊपर फेंकोगे, मान लो आप रूम में हो, ठीक है, आप घर में हो, घर के अंदर हो, हॉल में हो आप, ठीक है, अब हॉल के अंदर अगर आप अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल कहाँ जाकर के रुकेगी, छत, ऊपर का जो आपका छत है, ठीक है, उससे टकराएगी और बॉल वापस नीचे आ जाएगी। तो ये छत उस वक्त में क्या कर रहा है, बॉल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, और बॉल कहाँ आकर के रुकेगी, वही आपका फ्लोर पे, ठीक है, जहाँ पर आप बैठे होगे,
वहीं पे आकर के रुक जाएगी, या फिर आप खड़े होगे वहीं पे आकर के बॉल टप्पा खाएगी, ठीक है। तो नीचे वाला सतह क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का, और ऊपर वाला क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सबसे बड़ा मिस्ट्री ही यहाँ पे यही है कि अगर मैं ये चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ तो चीज़ें बहुत आसान है, आप बोल दोगे ऊपर सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। पर सबसे बड़ा रहस्य क्या चीज़ ये है कि मार्केट में ये छुपा हुआ होता है, मार्केट में आपको इस तरह नहीं दिखेगा, मार्केट एकदम पर खाली दिखेगा, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं, कुछ पिलर उलर कुछ बना हुआ नहीं दिखेगा आपको, कोई लाइन उइन कुछ नहीं आपको मिलेगा। और वही छुपे हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढना ही ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग में आपको पैसे वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ करके ही आप कमाओगे, ठीक है। और मैं अगर बोलूं तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में सीखने के लिए, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक्स। अगर ये दोनों में अगर आप अगर मास्टरी कर लेते हो ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। कैंडलस्टिक्स का मैंने कंप्लीट 18 से 20 वीडियो करके एक प्लेलिस्ट में, मैंने कैंडलस्टिक्स कंप्लीट कोर्स करके मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप, उम्मीद करता हूँ एक बार जाकर के उसे चेक कर लेना, आपका कैंडलस्टिक्स का पूरा डाउट क्लियर हो जाए और आप कैंडलस्टिक्स में मास्टरी हासिल कर लोगे। तो गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग में भी देख लिया कि क्या होता है, पर मार्केट में ये क्या होता है, छुपा हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये छुपे हुए को हम लोग निकालेंगे कैसे, ढूंढ करके हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो गाइस, उसके लिए क्या, ये आप अभी चार्ट पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो, गाइड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जो सबसे पहला जो रूल है ना, वो है कि हमें एक की पॉइंट, एक स्विंग चाहिए। अब स्विंग यहां बोलने का मतलब है चोटी, एक चोटी। अब चोटी यहां बोलने का मतलब है कि देखो मैं बताता हूं, ठीक है, एक चोटी। अब चोटी यहां पर बोलने का मतलब है, देखो ये एक हमारा चोटी है, 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 ठीक है। नीचे में ये हमारा एक चोटी है, ये हमारा एक चोटी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें चोटी चाहिए किस लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ इसी पे होगा, ठीक है। ये जहां पर भी आपको चोटी मिल जाएगा ना, ठीक है, सिंपली क्या करना है, आपको मार्केट में ड्रॉ कर देना है, ठीक है। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहां पर देखो जितना बार ये चोटी रिस्पेक्ट करेगा, मतलब कि एक ही चोटी, देखो अभी आप क्या देखोगे कि यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, एक चोटी है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर कुछ चोटियां मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि बहुत सारा पॉइंट जो है सो मिल रहा है आकर के, तो ये क्या बन गया, ये एक सिंपल सा सपोर्ट बन गया, ठीक है। और अभी आप क्या देखोगे, मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस अब क्या क्या है। देखो चोटी के पास में सिंपल सा बात है, आपको बस ड्रॉ कर देना है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऊपर की जितनी भी आपको चोटियाँ मिलेंगी ना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, ओके, ये हमारा एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, ओके okay? अब सपोर्ट क्या कहलाएगा, सपोर्ट देखो नीचे का चोटी के पास से हम लोग बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट कहलाएगा, ओके okay? और नीचे का तो हमारा सपोर्ट कहला ही रहा है, ठीक है। सपोर्ट का हम लोग कलर ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन करते हैं, ओके okay? अब देखो हमारा ये एक सपोर्ट हमारा होगा, ओके okay? देखो ये हमारा एक सपोर्ट होगा, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट होगा, मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो रुकेगी, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया, कि ऊपर के चोटी को आप पकड़ करके, ठीक है, अब ड्रॉ कर दो। अब मैं इसका दिखाता हूँ, इसका बेनिफिट मैंने दिखाया कि ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। सिंपल सा बात है, आप अभी आप चोटी को बस पकड़ो, और भी बहुत सारे तरीके हैं,
ठीक है। ये एक ही तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो मैं अपने 6-7 वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लाऊंगा, जिसमें 6-7 वीडियो में आप मास्टर हासिल कर लोगे, ठीक है, अगर आप सही तरीके से मुझे फॉलो करोगे तो, ठीक है गाइज। तो गाइज, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है यार, तो कमेंट करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है गाइज। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ओके। हम लोग इजी वे में देखते हैं, ठीक है, हम लोग चलो दूसरे चार्ट पे चलते हैं, ओके। हम लोग एक काम करते हैं, बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं, ओके, ठीक है चलो। अब मैं कुछ आपको मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखाऊंगा जो आप बोलेंगे कि हाँ सच में काम करता है। अब जैसे कि देखो, हम लोग एक काम करते हैं, ओके, आपके सामने मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे कि अभी तो सपोर्ट, अगर मैं बोलूं तो सपोर्ट तो अभी हमारे लिए ये है, ठीक है, सपोर्ट हमारे लिए ये है, और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आप बोलोगे रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है, ये वाला चोटी, ठीक है, कौन सा, ये वाला चोटी। गाइज, हमेशा एक बात याद रखना, अगर कोई चोटी पे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बना रहे हो, तो कम से कम एक बार तो जरूर उसे रिस्पेक्ट मिलेगा। अभी एग्जांपल में दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो, ठीक है, देखो अभी तुरंत मैंने ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टकराया, ये जो की पॉइंट था, यहाँ पे सपोर्ट है, और नीचे का ये जो एरिया, ठीक है, नीचे का ये जो एरिया जो जहाँ पे मार्केट रुका, ये सॉरी ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला एरिया क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस को मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। अभी आप देखो मैंने क्या बोला, इसमें मार्केट एक बार जरूर रिस्पेक्ट करेगी, एक बार। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटते हैं गाइस, ठीक है, और ये मैं टूटने वाला कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि कब मार्केट टूटे, कब सपोर्ट टूटेगा और कब रेजिस्टेंस टूटेगा। अब देखो मेरा काम था सपोर्ट बनाना, सपोर्ट कब बनाऊंगा, मान लो कि ये यहाँ पे बन गया, ये हमारा, ये जो स्विंग है हमारा, ठीक है, यहाँ पर मान लो मार्केट आ गया था, ओके, हम लोगों को पता चल गया कि ये नेक्स्ट टाइम जरूर रेजिस्टेंस, तो जब मार्केट नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आएगी ना, तो मैं करूँगा शॉर्ट, और शॉर्ट कहाँ तक करूँगा, ये सपोर्ट तक, ठीक है, यहाँ से मैं लूँगा ट्रेड और डायरेक्ट मैं यहाँ पे करूँगा प्रॉफिट बुक, ठीक है। पर नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेड नहीं लूँगा यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम नहीं, बस ये एक बार के लिए है, ठीक है, जो कन्फर्म काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 5-6 वीडियो जो मैं ला रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, लास्ट आते आते तक आप इतने मास्टर हो जाओगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि आप बोलोगे कि वाह भाई मज़ा आ गया, ठीक है, अब तो सच में फील हो रहा है कि मैं एक ट्रेडर बन जाऊँगा, ठीक है। बस आप भरोसा रखो अपने ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो ये टूट गया, ठीक है, अब ये टूट जाने के बाद में हमारा इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, अब हमारा इसका काम खत्म हो गया, जी हाँ काम खत्म अभी हमारा। अब हमारा कौन सा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत सारे हैं, वो चेंज होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट गया, उसे हटा दो, ठीक है। अब हमारा रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा हमारा ये एरिया, सिंपल सा बात है, ये एरिया होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, और सपोर्ट के लिए कौन सा होगा, देखो आ गया मार्केट, मार्केट यहाँ पे आ गया, और सपोर्ट के लिए अगर मैं पूछूँ तो सपोर्ट के लिए देखो पहला तो अच्छा एरिया ये होता, ठीक है, और दूसरा एरिया एक हमारा और होगा यहाँ पे, जो रेड कैंडल जो बना था ना, जहाँ से मार्केट गई, ये छोटा सा सपोर्ट का एक एरिया है, छोटा सा क्या है, सपोर्ट का एक एरिया है, बट सबसे बेहतर सपोर्ट का एरिया कौन होगा, ये होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है मार्केट, कि मार्केट में बायर्स बहुत हैं यार, नीचे तक मार्केट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, मार्केट यहाँ आ गया, तो मैंने क्या बोला, अगर आप ये चोटी के भरोसे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो एक बार रिस्पेक्ट जरूर देगी। तो हम लोग क्या करेंगे, शांति से यहाँ से मार्केट को भी शॉर्ट करेंगे भाई, कहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे, और सेल किए मार्केट को। अब हम लोग अगर आगे देखें, ठीक है, और अगर देखो गाइस,
रिस्पेक्ट अभी भी किया है, मार्केट नीचे आई हमारा सपोर्ट पे, देखो ये पिछला बार ही मैंने सपोर्ट बनाया था, ठीक है, आपके सामने सारा मैं गेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर आई हमारे सपोर्ट पे, और देखो सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, मार्केट क्या यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। पर आप यहाँ देख सकते हो बहुत हैवी सेलिंग है, क्या है, बहुत हैवी, बहुत बड़ा सा कैंडल बना, मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव यहाँ पर ये है बताने का कि देखो जो जो एरिया हम लोग मैंने ड्रॉ किया है स्विंग के बेस पे, सारे काम करते हैं, थोड़ा ही क्यों ना काम करें, पर वहाँ पर मार्केट एक बार आ करके मार्केट थोड़ा सा ही नीचे क्यों ना आएगा, पर आएगा मार्केट नीचे, ठीक है। तो जब भी आपको इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको चोटी मिलेगा, चोटी को स्विंग कहते हैं, ठीक है, स्विंग, ठीक है, स्विंग, बहुत सारे आपने सुना होगा ना स्विंग ट्रेडर, मतलब एक चोटी से दूसरे चोटी तक जाने वाला ट्रेडर, मतलब मान लो कि यहाँ से ट्रेड लिया किसी ने और ये चोटी पे क्लोज कर दिया ट्रेड, ठीक है, उसे स्विंग ट्रेडर कहते हैं। तो गाइस बस जहाँ पर भी आपको स्विंग मिलेगा, चोटी मिलेगा, उसे बस आप एक रेजिस्टेंस और उसे आप सपोर्ट मान लो, इसके थ्रू आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कुछ वैसा कॉन्सेप्ट जिसे आपको देख करके यार मज़ा आ जाएगा। गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे कोई सपोर्ट टूटता है, कैसे कोई रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, और भी कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट। और आप ट्रस्ट करो मैं कंप्लीट प्रो लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्लीट करूंगा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ, करीबन आई थिंक 8 से 10 वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आएगा। और आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सीरीज खत्म कर दूंगा, और उसके बाद में आप अपने आप में देखोगे आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ, और आप सच में बोल पाओगे, आप इजिली आप मार्केट में देख करके वो जो छुपा हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसे आप फाइंड कर लोगे। तो चलो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मार्केट।